Hey guys, welcome back. I love exploring all about fashion. तो आपका स्वागत है मेरे चैनल पे. अगर आप भी एक्सप्लोर करना पसंद करते हो तो मेरे चैनल पे आपको वैरायटी ऑफ वीडियोस मिल जाएंगे. आई एम बैक विथ येट अनदर वीडियो एंड विथ अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो एंड वेरी रिक्वेस्टेड वीडियो. सो हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू ह्यूज टॉप वेयर हॉल और टॉप वेयर कलेक्शन. क्योंकि ये वीडियो जो है काफ़ी पेंडिंग होते हुए मैं रीशूट कर रही हूँ. जब एक्चुअली मैंने जब ये सारे टॉपवेयर ऑर्डर किए थे तब मैंने शूट किया था टॉपवेयर हॉल वीडियो एंड हे द क्लिप्स. सो उसके बाद मैं एडिट नहीं कर पाई. उसके बाद मेरे पास सारे टॉपवेयर जो है मैं यूज करती गई. सो टॉपवेयर हैं जो मैं रिसीव करने वाली हूँ या फिर आगे आने वाले हैं उसकी क्लिप्स मैं लास्ट में ऐड कर दूंगी. अभी इतने टॉपवेयर हैं जो आफ्टर वॉश या आफ्टर यूज वाला हॉल होने वाला है क्योंकि मैंने यूज किए वेयर किए हुए हैं. बहुत टाइम से मैं यूज कर रही हूँ. ऑलमोस्ट 1 मंथ 2 मंथ हो चुके होंगे. और ये हमेशा होता है मेरे साथ कि जब मैं हॉल के लिए कलेक्ट करती हूँ मैं फिर पहनने लगती हूँ और वीडियो एडिट नहीं हो पाती कंप्लीट तो मुझे रिसूट करना पड़ता. एंड ये मैंने जो वेयर किया हुआ है लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा मैंने यूज टॉपवेयर हॉल उसमें भी मैंने शेयर किया था. एंड ये सारे टॉपवेयर जो है अंडर 500 है एंड ऑनेस्ट रिव्यू होने वाला है क्योंकि मैंने यूज किया हुआ है वेयर किया हुआ है. सो अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन में बताऊंगी कि आपको बाय करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए क्या सोच के मैंने बाय किया मुझे क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा. अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो. इस तरह इंटरेस्टिंग वीडियो इस तरह की फैशन रिलेटेड वीडियो मैं शेयर करती रहती हूँ. सो यहाँ पे जो रेड वाला बटन है वो क्लिक कर दो एंड उसके ऊपर जो घंटी क्लिक उसको जरूर दबा लेना जिससे कि जब भी मैं इस तरह की वीडियो शेयर करूंगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा. अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो. वहाँ पे स्टाइलिंग रिलेटेड रील्स वीडियो मैं शेयर करती रहती हूँ एंड ये सारे टॉपवेयर मैंने ऑलरेडी स्टाइल किए हुए हैं किसी न किसी रील्स वीडियो में. सो वहाँ पे भी जाके आप चेकआउट कर सकते हो. थोड़ी आइडियाज आपको मिल जाएंगे आप किस तरह से रीवेयर कर सकते हो रीयूज कर सकते हो अपने टॉपवेयर को मल्टीपल तरीके से. चलिए स्टार्ट करती हूँ. तो बस मैंने कुछ बेसिक वाले टी क्रॉप टॉप मैंने ऑर्डर किए थे मीशो से एंड मीशो पे 200-210 इस कैटेगरी से मैं बाय किए हैं डेली वेयर में मल्टीपल वे में क्योंकि सॉलिड कलर के होते हैं काफ़ी यूज आ जाते हैं और कुछ कलर्स मेरे पास नहीं थे तो फिर मैंने सोचा चलो बाय करते हैं. तो दिस इज फर्स्ट वन. ये पिंक कलर का है एंड इसका जो कलर मुझे बहुत डिसेंट लगा एंड क्वालिटी भी अच्छी लगी क्योंकि मैंने वॉश भी किया वेयर भी किया है. बहुत थिक नहीं है बहुत थिन भी नहीं है सुपर ट्रांसपेरेंट भी नहीं है. सो शॉर्ट स्लीव है क्रॉप लेंथ है एंड एग्जैक्ट प्राइस जो भी होगी यहाँ पे स्क्रीन शॉट शेयर कर दूंगी सो दैट याद नहीं है बहुत टाइम हो गया. तो दिस इज फर्स्ट एंड बेसिक एंड बेस्ट वन क्योंकि इस तरह के जो बेसिक टी होता है ना ज़्यादा यूज होता है इसी कारण से फिर मैंने ये भी बाय किया. एंड इस सेम सेलर के पास एंड इस सेम सेलर के पास काफ़ी सारे कलर्स अवेलेबल हैं. सो आप कलर्स अपने अकॉर्डिंग बाय कर सकते हो. एंड मेरी साइज ये मैंने मीडियम ऑर्डर किया है एंड ये मैंने लार्ज ऑर्डर किया है. सो हर सेलर की जो साइजेस थोड़ी वेरिएशन होती है एंड थोड़ा सा इजी ब्रीजी वाला लुक इसलिए मैंने थोड़ा सा कंफर्टेबल साइज ऑर्डर किया था मीडियम एंड इसका लार्ज था क्योंकि ये काफ़ी टाइट आ रही थी फिर मैंने एक्सचेंज किया था. एंड इस सेम ब्रांड का मैंने एक और टी ऑर्डर किया था जो कि उसका कलर पिक्चर में तो बहुत अच्छा लग रहा था ये वाला एंड जब रिसीव हुआ ना तो बहुत डल लग रहा था ग्रेस काइंड ऑफ कलर था. फिर मैंने ये स्काई वेयर किया है एंड वॉश किया इसलिए थोड़ा सा ये क्रश लग रहा है. तो ब्लू टोन ही है और कलर इसका मुझे यूनिक लगा इसलिए मैंने ये ऑर्डर किया. देन नेक्स्ट ये है ये हाईनेक बोलेंगे ये कौन सा नेक है कॉल नेक जो भी नेक है इसका शॉर्ट स्लीव है ये भी क्रॉप्ड लेंथ है एंड रिब्ड फैब्रिक है. एंड ये बॉटल ग्रीन कलर का रिसीव हुआ है जबकि मैंने ऑर्डर रेड कलर किया था. एंड दोबारा मैंने जब ऑर्डर किया फिर सेम यही कलर रिसीव हो गया. सो इस सेलर का मुझे फंटा समझ में नहीं आया एक्सचेंज करने पे भी एक्सेप्ट नहीं हो रहा था. तो क्वालिटी अच्छी है सो थोड़ा सा इरिटेटिव हो जाता है मीशो पे कभी कभी कुछ सेलर जो होते हैं आप पिक्चर्स शेयर कर दो मेंशन कर दो कि मैंने कलर ऑर्डर किया था उसके बाद कोई और कलर रिसीव हो गया उसके बाद भी आपको फिर से वही कलर रिसीव हो जाता है. मगर रेड वाला जो कलर था वो बहुत ही प्यारा लग रहा था और रेड कलर में थोड़ा टोमेटो काइंड ऑफ रेड था तो मैं चाह रही थी वही ऑर्डर करना पर फैब्रिक अच्छी थी तो फिर मैंने इसी रख लिया. ये भी बॉटल ग्रीन कलर अच्छा लग रहा है. आई थिंक मीडियम या लार्ज थी. ये है टाई एंड डाई सेट एंड ये मैंने बहुत यूज़ किया है फ्री साइज टॉप है
और इसकी कलर जो कॉम्बिनेशन है ना, बिल्कुल क्लाउड वाली, बादल वाली, बादलों के बीच में चले गए हैं हम। एंड यहाँ पे आपको हल्का लाइट ग्रीन, यहाँ पे फिर अगेन पैरट ग्रीन, देन यहाँ पे वाइट। सो ये कलर पूरा है ना, मुझे बहुत ही प्यारा लगा। एंड इस सेम सेलर के पास काफ़ी सारे कलर्स थे, यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड इस सेम टाई एंड डाई पैटर्न में बहुत ही ह्यूज वैरायटी ऑफ टॉप वेयर आपको मिल जाएगा। मैं कोशिश करूँगी कुछ ही क्लिप्स यहाँ पे ऐड कर दूँ। अगर अच्छा हो तो उसे स्क्रीन शॉट लेके भी सर्च आउट कर सकते हो, अगर अवेलेबल हुई तो आपको शो कर देगी। सो ये फ्री साइज है, एंड ये साइज मेरे अकॉर्डिंग शॉर्ट्स पे या फिर टाई करके या थोड़ा सा नॉट बना के वेयर कर सकते हो तो लोग काफ़ी अच्छा आएगा। कॉटन फैब्रिक है, मुझे अच्छी लगी। 300 के आसपास इसकी प्राइस थी, एंड इसमें कोई साइज अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये फ्री साइज की थी। इसी सेम पैटर्न में मैंने एक और ऑर्डर किया है, रिसीव हो जाएगा तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। नेक्स्ट जो है, एक्चुअली मैंने इसे मल्टीपल यूज करने के लिए ऑर्डर किया था। अगर आपने मेरी ब्लाउज हॉल देखी है तो मैंने उसमें भी शेयर किया था, क्योंकि इससे मैंने एज ए क्रॉप टॉप स्कर्ट्स के साथ, एज ए ब्लाउज या फिर थोड़ा वेस्टर्न काइंड ऑफ पार्टी लुक आप चाहो तो इसके साथ क्रिएट कर सकते हो। सो यहाँ पे पूरा मेस वाला है। नेट की जो क्वालिटी है ना, वाओ, वेरी ऑसम। एंड यहाँ पे आपको ये इलास्टिक मिल जा रही है, ये तो अच्छा ग्रिप मिल जा रहा है, ये वाला पैटर्न है। एंड यहाँ से हाफ आपको अंदर से फैब्रिक मिल जा रही है, सो ट्रांसपेरेंसी का कोई चांस नहीं है। एंड यहाँ पे अलग पैटर्न है, देन यहाँ पे अलग नेट वाली मेश वाली लुक आ जा रही है। सो सेम फ्रंट एंड बैक में आपको पूरा नेट फैब्रिक मिल जाएगा, जी अंदर से फैब्रिक दी हुई है इस तरह की। मल्टीपल यूज इसके दिखे सो दैट फिर मैंने ये ऑर्डर किया। एंड ये सेलर जो थे बिल्कुल न्यू था, क्योंकि कोई भी रिव्यू या कोई भी कमेंट्स, कोई भी परचेज कुछ भी नहीं था, तो थोड़ा सा मैंने रिस्क लिया है। आप मत लेना क्योंकि मीशो पे पैसे फंस जाते हैं अगर आप रिस्क लो तो नए सेलर से नो रिस्क। क्या ये स्मॉल साइज है? पर नाम मैंने नहीं सुना है, रियू कलेक्शन या ब्लू कलेक्शन, पता नहीं। सो मे बी अमेजॉन या और भी साइट पे आपको मिल जाएंगे सेम ब्रांड के। एंड ये भी क्रॉप साइज में है, सो आई थिंक काफ़ी यूज आ जाएगा। एंड आई रियली लाइक दिस। सो ये 450 इसकी प्राइस थी। नेक्स्ट अगेन क्रॉप टॉप कैटेगरी से है, एंड ये आपने बहुत देखा होगा। इसमें आपको यहाँ पे पफ स्लीव मिल जा रही है, यहाँ पे आपको अच्छा ग्रिप मिल जा रहा है। एंड ये नेक स्वीट हार्ट काइंड ऑफ नेक मिल जा रहा है। यहाँ पे ये जो पैटर्न है ना, पहनने के बाद काफ़ी अच्छा लगता है। एंड यहाँ पे आपको अगेन फिटेड पूरा लुक आ जा रहा है। सो ओवरऑल इसका भी मुझे लगा कि काफ़ी ये मल्टीपल यूज आ सकता है ये क्रॉप टॉप। एंड ये कलर मैंने दोबारा ऑर्डर किया है, इसके पहले मैंने जो कलर ऑर्डर किया था वो था ये, मुझे अच्छा लगा था, पहनने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा था। पर आई फील कि ये जो कलर्स है ना, ज़्यादा टाइम ट्रेंड में या फैशन में रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि मुझे ज़्यादा यूज उसकी दिखी नहीं। सो फिर मैंने रिटर्न करके फिर मैंने ये वाला कलर ऑर्डर किया। फ्लोरेसेंट ग्रीन काइंड ऑफ कलर था, यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रांड में। इसकी भी फैब्रिक थोड़ी सी रिब्ड काइंड ऑफ है, सो अच्छी लगी। नेक्स्ट जो है मीशो से, सॉरी मिंत्रा से। एंड ये जो टॉप है ये काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे मिल गया, या फिर ये ब्रांड एक्चुअली काफ़ी इसकी प्राइसेस लो होती है। ब्रांड है टोक्यो टॉकीज, ये साइज मैंने एक्सेल ऑर्डर किया है। एक्सेल मुझे थोड़ा सही कंफर्टेबल वाला फिटिंग आया, बाकी जो काफ़ी फिटेड लुक आ रहा था, सो मैंने फिर ये एक्सचेंज करके ये वाला ऑर्डर किया। एंड ये भी क्रॉप साइज में है, ये इसकी प्राइस एक्चुअली मैंने जो पे की है वो 200 या 160 ऐसे कुछ मैंने पे किया, तो उस अकॉर्डिंग मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि इस प्राइस पे भी टॉप वेयर मिल जा रहे हैं, वो भी मिंत्रा पे। एंड क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि टोक्यो टॉकीज की मैंने ऑलरेडी बहुत सारे ट्राउजर्स टॉप्स बहुत ऑर्डर किए हैं। एंड ये कलर एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड नेक्स्ट जो है, इसके बारे में आप लोगों ने बहुत पूछा था, मैंने साड़ी स्टाइलिंग वीडियो में मैंने इसे वेयर किया है। ये भी क्रॉप लेंथ में है, और ये एक्चुअली मैंने ऑफलाइन लिया है। आप देख सकते हैं इसमें पूरा क्रोशिया पूरा ट्रांसपेरेंट है। ये वाइट कलर में मैंने अभी रिसेंट, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हो तो आप, मैं स्टोरी अपडेट हमेशा डालती रहती हूँ। मैं गई हुई थी लखनऊ का सरोजनी मार्केट, आप बोल सकते हो, सो अमीनाबाद में गई हुई थी। वहाँ पे वो 100 रुपीज़ 150 रुपीज़ वाली कैटेगरी होती है, वहाँ से मैंने ये 80 रुपीज़ में बाई किया है। लोग पूछ रहे थे, सो मैंने सोचा कि इससे भी मैं शेयर कर दूँ आज की टॉप कलेक्शन।
तो मुझे उस अकॉर्डिंग यार बहुत ही अच्छा लगा, सच बता रही हूँ। मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने एक दो और क्यों नहीं लिया। अब नेक्स्ट टाइम देखते हैं कब जाना होता है, पर जब भी जाऊँगी तो एक दो और जरूर लूँगी, क्योंकि मुझे ये पैटर्न जो है ना, ये वाला क्रोशिया वाला, मुझे बहुत ही यूनिक लगा, बहुत अच्छा लगा। एंड दीज आर मस्ट हैव, कैटेगरी उठा लो ना तो हर कैटेगरी से एक एक तो होना ही चाहिए आपके वार्डरोब में। गाइज कैसी लगी आज की वीडियो, प्लीज कमेंट में जरूर बताना। एंड आई ऑलवेज ट्राई टू बी ऑनेस्ट विथ यू, जो भी मेरी ऑनेस्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं शॉपिंग से रिलेटेड, मैं वही आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी वीडियो में। तो अगर पहली बार आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, मीन्स ओवरऑल आपको काफी हद तक आइडिया मिल जाए एंड आपके लिए ईजी हो जाए, एंड साइड बाई साइड थोड़े से स्टाइलिंग आइडियाज भी मैं दे देती हूँ। सो अगर इस तरह के कंटेंट आपको पसंद आते हैं तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लेना एंड कमेंट करके जरूर बताया करो कैसे लगती है कलेक्शन, क्या और देखना चाहते हो, या कोई भी सजेशन हो, सो मेक श्योर प्लीज कमेंट डाउन बिलो। एंड मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। एंड आई विल सजेस्ट यू कि ये वीडियो जरूर देखना अगर आप भी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी लवर हो। 20 आइटम्स अंडर 450। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।